दोस्तों हमारे देश में 80 से 90 प्रतिशत लोग दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीकर, जिसे हम फक्र के साथ बेटी कहते हैं। इससे हमें फायदा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हम बीमारी को ही दावत देते हैं, तो क्यों ना हम दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से करें। सुबह की एक अच्छी आदत हमारे शरीर की कई सारी बीमारी से छुटकारा दिलाने के साथ साथ बॉडी को हमेशा एक्टिव रखेगा और शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाने में काफी मदद करेगा। सुबह उठकर चाय या फिर दूसरी चीज खाने पीने की बजाय हमें मेथी दाना और मेथी पानी को पीना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेथी दाने का पानी बनाना है और कब इसे पीना है। दोस्तों, मेथी दाने और मेथी पानी के इतने सारे से फायदे हैं कि एड़ी से चोटी तक तमाम तरह की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। चलिए जान लेते हैं सुबह मेथी दाना कैसे बनाना है। आपको रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में अपनी उम्र के हिसाब से मेथी दाने गिनकर डाल दीजिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 35 दाने, 25 साल है तो 25 दाने। जितनी उम्र है उतने दाने एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद छान लीजिए और मेथी दानों को खाकर ऊपर से एक गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर मेथी दाना चबाते नहीं जम रहा हो तो उस मेथी दाने को आप पानी के साथ गटक भी सकते हो, क्योंकि रात भर में ये मेथी दाना पूरी तरह से फूल जाता है, जो डाइजेस्ट होने में बहुत इजी होता है। दोस्तों, शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन मानिए दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में ये छोटा सा बदलाव कर लिया तो बॉडी को फिट रखने में काफी मदद करेगा। अब जान लेते हैं सुबह मेथी दाना व मेथी पानी पीने के क्या क्या बेहतरीन फायदे होने वाले हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट मेथी दाना को चबाकर खाते हैं और मेथी पानी को पीते हैं तो यह आपके बढ़ते वजन को कम करने में मदद करता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से इसे पीने के बाद देर तक भूख नहीं लगती है और आप बेवजह बार बार खाने से बच जाते हैं। मेथी में मौजूद ग्लाइकोमेनन नामक फाइबर खून में शुगर के अवशोषण को कम करता है, जिससे शरीर का ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और डायबिटीज से बचाव होता है। जिन लोगों को एसिडिटी या फिर गैस की समस्या है, उनके लिए भी मेथी का पानी रामबाण इलाज है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू कर दें तो समझिए कि अगले कुछ ही दिनों में पेट से जुड़ी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। पेट की जलन दूर होती है और अपच या एसिडिटी से तुरंत आराम मिलता है। मेथी के पानी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इसके नियमित सेवन से किडनी की पथरी में आराम मिलता है। मेथी में मौजूद तत्व पथरी को गलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि पथरी दूर करने के लिए सिर्फ एक घरेलू उपाय है, मेथी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से मेथी का पानी सर्दी जुकाम या वायरल से बचाने में बहुत ही सहायक है। मेथी का पानी शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और संक्रामक रोगों से आपको बचाते हैं। मेथी दाने का एक फायदा और भी है कि आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करता है, जिससे आपके सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। मेथी दाना का पानी आपके ब्लड को भी साफ करता है, जिससे आपको चमकती दमकती त्वचा मिलती है। अगर समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आ गई हों तो मेथी दाने का उपयोग कीजिए, आपको इससे फायदा होगा। आप मेथी दानों का फेस पैक बनाकर भी उपयोग कर सकते हो। इससे चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झुर्रियां और स्किन संबंधित कोई भी समस्या हो, आपको जल्द ही इससे राहत मिलेगी। आपको करना बस ये है कि रात को एक चम्मच मेथी दानों को पानी में भिगोना है और सुबह उसे पीस लेना है। उसमें थोड़ा सा दही मिलाना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है। लगभग 15 मिनट रखने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लेना है। फिर देखना आपकी स्किन कैसी ग्लोइंग होती है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हो, बाल ज्यादा झड़ रहे हो या फिर बाल समय से पहले सफेद हो गए हो, उसके लिए भी मेथी दाना बहुत ही अच्छा होता है। आपको करना बस ये है कि आपको 2 चम्मच मेथी दानों को थोड़े से पानी में भिगो कर रखना है और सुबह उसमें 1 मुट्ठी करी पत्ता, वही जो आपको सब्जी के बाजार में मिलता है, 1 मुट्ठी करी पत्ता डालना है और उसे ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है और हफ्ते में 1 दिन इस पेस्ट को अपने बालों पे लगाना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाओगे, आपके जितने सफेद होते बाल हैं वापस काले होने लगे और झड़ते हुए कमजोर बाल भी हेल्दी हो जाएंगे और झड़ना बंद हो जाएंगे। तो आप इसका एक बार उपयोग करके जरूर देखना। और एक बात का ध्यान रहे कि मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, तो इसलिए गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। दूध पिलाने वाली माताएं मेथी का सेवन कर सकती हैं, ये दूध में बढ़ोतरी करता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।